हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूं 9 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बेनजीर भुट्टो बायोग्राफी 2022 में देखेंगे। मतलब मैंने इनकी कोई सी भी नहीं देखी है, 2022 क्या कभी की नहीं देखी है। इनके बारे में फैक्ट्स मुझे नहीं पता है, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पता है जो क्लियर बड़ी बड़ी सबको नज़र आती है उस टाइप की। तो इस वीडियो में देखते हैं क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। 9 अनटोल्ड फैक्ट्स अबाउट बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो के बारे में 9 चौंका देने वाली हकाइक। दोस्तों, पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली मुंतखब खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिंदगी स्ट्रगल और कंट्रोवर्सी से भरपूर रही। वो अपने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो और ईरानी वालदा नुसरत भुट्टो की पहली औलाद थी, और जब वो पैदा हुई तो आम पाकिस्तानी बच्चों के बरक्स इनका रंग पिंक रंग का था, इसलिए इनके वालिद ने प्यार से इनको पिंकी पुकारना शुरू कर दिया था। किस शख्स से शादी करना चाहती थी और इस शख्स से इनकी शादी क्यों नहीं हो सकी? जब वो वजीर आजम बनी तो आधी रात को दरियाए रावी के पुल को नंगे पैर क्यों पार किया था? इनके भाई मुर्तजा भुट्टो आसिफ अली जरदारी की तस्वीर रखते थे, और मोहतरमा का पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक रहा है, और वो खान साहब को द लाइन ऑफ लाहौर यानी कि शेर लाहौर क्यों कहती थी? ये सब आपको आज की इस फैक्ट से भरपूर वीडियो में पता चलने वाला है। और अगर आप टॉक शॉप चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची शहर में पैदा हुई, और इनका ताल्लुक एक सियासी और जागीरदार घराने से था। इनके वालिद जुल्फकार अली भुट्टो का ताल्लुक सूबा सिंध से था, जबकि वालदा नुसरत भुट्टो ईरान के शहर अस्फहान की एक शिया खानदान से ताल्लुक रखती थी। जब वो पैदा हुई तो इनका नाम बेनजीर रखा गया, जिसका मतलब है बेमिसाल। ये अपने वालिदैन की सबसे पहली औलाद थी, और पैदाइश के वक्त इनका रंग पिंक रंग का था, जिसकी वजह से इनके वालिद इनको प्यार से पिंकी कहकर पुकारते थे। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि इनको बचपन में सिंधी या उर्दू जुबान की बजाय अंग्रेजी सिखाई गई थी, और उम्र भर इनको उर्दू बोलने में बहुत मुश्किल पेश आती रही। इसके अलावा बहुत ही कम लोग ये बात भी जानते हैं कि बेनजीर भुट्टो के दादा अंग्रेजों के दौर में भारत की जूनागढ़ रियासत के वजीर आजम भी रह चुके हैं, लिहाजा सियासत इनके खून में शामिल थी। और इनके वालिद जुल्फकार अली भुट्टो भी इनको अहम सरकारी दौरों पर अपने साथ लेकर जाते थे और अहम शख्सियात से मुलाकात भी कराते थे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, बेनजीर भुट्टो ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची के एक स्कूल से हासिल की, लेकिन फिर इनको जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल और फिर बोर्डिंग स्कूल मरी भेज दिया गया, और वहाँ पे उन्होंने बहुत ही हाई ग्रेड के साथ बर्तानिया का एग्जाम ओ लेवल पास किया। और जब वो सिर्फ 16 साल की थी तो इनके वालिद ने इन्हें मजीद तालीम के लिए अमरीका रवाना कर दिया, जहाँ पे उन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 4 साल यहाँ पे पढ़ाई की। 1973 में इन्होंने अमरीका के बाद बर्तानिया का रुख किया और लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के लेडी मार्गरेट हॉल से फिलोसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स में डिग्री हासिल की। और आपको ये बात जानकर मजीद हैरत होगी कि इसी यूनिवर्सिटी में इन्हीं के सब्जेक्ट्स में पाकिस्तान के साबिक कप्तान और वजीर आजम इमरान खान भी पढ़ रहे थे और क्रिकेट भी उस दौर में खेल रहे थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और इमरान खान में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, और बेनजीर खान साहब की जहानत और काबिलियत से इस कदर मुतासर भी थी कि इनको द लॉयन ऑफ लाहौर कहकर पुकारती थी। जब खान साहब ने सियासत में कदम रखा तो इन दोनों के दरमियान इज्जत और एहतराम का रिश्ता हमेशा बरकरार रहा, और आज तक इनके किरदार के बारे में खान साहब ने कोई गलत बात नहीं की, और ना ही बेनजीर ने भी कभी इमरान खान की कोई किरदार कशी की। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बेनजीर भुट्टो ने सियासत में कदम रखने से पहले कुछ अरसा लंदन में एक मैगजीन में मामूली से नौकरी भी की थी, और ये इस वक्त तक जारी रही जब तक कि इनको वापस पाकिस्तान नहीं बुला लिया गया। और 1975 में ये पाकिस्तान के सरकारी चैनल PTV पर आकर इनकाउंटर के नाम से एक प्रोग्राम शो में आती थी, जिसमें अहम शख्सियात को बुलाकर इनका इंटरव्यू होता था और मुख्तलिफ सोशल मामलात पर भी बातचीत चलती थी। इसके अलावा इनको पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त शोहरत मिली जब वो अपने वालिद के साथ सन 1972 में भारत गई और भारत की वजीर आजम इंदिरा गांधी से इनकी मुलाकात हुई, और इस मुलाकात को इंटरनेशनल और भारतीय मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया। जब बेनजीर भुट्टो अमेरिका में जेरे तालीम थी तो इन्होंने अमेरिका की वियतनाम वॉर के खिलाफ एक कैंपेन में हिस्सा लिया, और उसी दौर में 70 की दिहाई में फेमिनिज्म की आने वाली एक वेव सेकंड वेव फेमिनिज्म की हमायत भी की और अमली तौर पे इसमें हिस्सा भी लिया। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, आपने अक्सर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को अपने हाथ में लस्सी का गिलास पकड़ के घूमते हुए देखा होगा, और नून लीग के लोग ये बताते हैं कि मरियम नवाज इसमें पानी पीती हैं क्योंकि किसी बाबे ने इनको ऐसा करने का कहा है। इसी तरह ये बात भी मशहूर हो चुकी है
है कि इमरान खान साहब जनाजों में शिरकत नहीं करते, यहाँ तक कि अपने किसी अजीज और किसी दोस्त के जनाजे में भी इनको कभी नहीं देखा गया। ये क्या बात है, मैंने नहीं सुना है। बस्ती में शुमार होती हैं और इसका शिकार मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी थी। सीनियर साहबी हारून रशीद ने अपने प्रोग्राम में इस बात का इंकशाफ किया कि किसी बाबे के कहने पर बेनजीर साहिबा ने नंगे पांव आधी रात के वक्त रावी दरिया के ऊपर मौजूद पुल को पार किया था। इसी तरह मुस्लिम दुनिया की पहली मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म खातून मानसहरा शहर के एक बाबे के पास जाती थी, खाती थी ताकि इनकी मुश्किलात दूर हो जाए। इस बाबे के पास और बहुत से मशहूर लोग और सियासतदान भी जाते थे। वैसे तो बेनजीर भुट्टो के बारे में ये कहा जाता था कि वो सेक्युलर हैं और इन पर इस्लाम दुश्मनी के इल्जामात भी लगते रहे, लेकिन बज़ाहिर एक रोशन ख्याल खातून का सियासत में आने के बाद तोहम परस्ती में पड़ जाना बहुत ही हैरान कुन और नाकाबिले यकीन सी बात लगता है। लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों और हुक्मरानों की तारीख ऐसे ही वाकयात से भरी पड़ी है। अगर आप इन बातों पर यकीन रखते हैं या नहीं तो कमेंट सेक्शन में यस और नो लिखकर अपनी बताओ, मुझे भी बताओ, जानना है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, बेनजीर भुट्टो जब 1977 में वापस पाकिस्तान आई तो कुछ महीनों बाद ही इनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने उलट दिया और 2 साल बाद इनको कत्ल के एक मुकदमे में फांसी लगा दी गई। इस सूरत हाल में बेनजीर भुट्टो और इनकी वालदा नुसरत भुट्टो को मुख्तलिफ जेलों में रखा गया और इनको रिहाई के बाद कई महीनों तक हाउस अरेस्ट भी रखा गया और 1944 में ये सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में लंदन चली गई और अपने फ्लैट से ही अपनी जमात पीपल्स पार्टी को संभालने लगी। इस दौरान नवाज शरीफ, जो खुद भी इस वक्त अदालत से रिहा होकर लंदन भागे हुए हैं, उस दौर में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की किरदार कशी करने लगे और इनके अनमेरिड स्टेटस की वजह से तरह तरह की बातें इनके बारे में मशहूर करवाने लगे। ये सूरत हाल देखकर इनकी वालदा नुसरत भुट्टो ने इनकी शादी का फैसला किया और जो पहला रिश्ता आया वो एक ब्यूरोक्रेट शुजा शाह का था, लेकिन जनरल जिया के खौफ से शुजा शाह ने शादी से इनकार कर दिया। खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में ये बात कही जाती है कि वो पंजाब के एक सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाले फैसल साले हयात को पसंद करती थी और इनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन इनकी वालदा ने ऐसा ना होने दिया और कहा कि शादी सिंध के किसी सियासी घराने में ही होगी। इसके बाद आसिफ अली जरदारी के वालिद हाकिम अली जरदारी ने इस मौके से फायदा उठाने का फैसला किया और नुसरत भुट्टो की एक इंतहाई करीब अजीज से अपने बेटे की शादी की बात की और बिलाखिर 1988 के इलेक्शन से पहले ही बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी आपस में शादी कर चुके थे। कराची के लियारी स्टेडियम में 2 लाख से ज्यादा अफराद ने इनकी शादी में शिरकत की, लेकिन इन्होंने अपने नाम के साथ जरदारी लगाने से इनकार करते हुए ये कहा था कि आई एम अ फ्री वुमन एंड आई वुड लव टू कैरी माई फैमिली नेम, यानी कि मैं एक आजाद ख्याल खातून हूँ और मैं अपने खानदान का नाम ही अपने नाम के साथ लगा के चलूंगी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, इस शादी ने मोहतरमा को सियासी तौर पर बहुत फायदा पहुँचाया और इलेक्शन से पहले इनकी जो किरदार कशी की जाती थी इसमें वाजे कमी हो गई और ये 1988 के इलेक्शन में जीत कर मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बनकर सामने आई। तहम इस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान के साथ इनके ताल्लुकात खराब होने लगे और करप्शन केसेस सामने आने के बाद इनकी हुकूमत 1990 में खत्म कर दी गई और मुल्क में नए इंतखाबात कराए गए, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए, लेकिन इनकी हुकूमत का भी अंजाम वही हुआ और करप्शन केसेस पर इनको भी निकाल दिया गया। 1993 में होने वाले इलेक्शन के नतीजे में बेनजीर भुट्टो फिर से पाकिस्तान की वजीर आजम मुंतखब हुई, लेकिन ये वो दौर था जब आसिफ अली जरदारी को बाकायदा काबीना का हिस्सा बनाया गया और इनको इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर के तौर पर रख लिया गया। ये दौर बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की फाइनेंशियल कंट्रोवर्सीज और फैमिली इश्यूज का था और इनके शौहर आसिफ अली जरदारी को मुल्की और इंटरनेशनल लेवल पर मिस्टर 10% कहा जाने लगा था। इनके भाई मुर्तजा भुट्टो ने इनको वजीर आजम मानने से इनकार कर दिया और अपनी अलग सियासी जमात बना ली और अपनी बहन के खिलाफ ही महाज खोल लिया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, बेनजीर भुट्टो के छोटे भाई को कई साल पहले फ्रांस में जहर देकर कत्ल कर दिया गया था, जबकि दूसरा भाई मुर्तजा कराची में एक पुलिस मुकाबले में मारा गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कई घंटे तक जख्मी हालत में कराची की एक सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं आई। ये 1995 में हुआ जब बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी और मुर्तजा भुट्टो के लवाहिकीन इस कत्ल का इल्जाम आसिफ अली जरदारी पर लगाते रहे हैं। मुर्तजा भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं थी और कहा जाता है कि मुर्तजा भुट्टो ने अपने घर के बाथरूम में पेशाब करने वाली जगह पर आसिफ अली जरदारी की तस्वीर लगा रखी थी और मेहमानों को पेशाब के लिए खास कर इस जगह भेजा जाता था। इसके अलावा एक बार जरदारी को घर बुलाकर अपने गार्ड से इसकी बेइज्जती भी करवाई थी। ऐसे में कराची में होने वाले मुर्तजा भुट्टो के कत्ल को आसिफ अली जरदारी से जोड़ना कोई अजीब बात नहीं थी। ये केस आज तक हल नहीं हो सका और न ही किसी को सजा मिली है। इस वाकये ने बेनजीर भुट्टो को अपनी माँ से भी दूर कर दिया, जिसने अपने बेटे के कत्ल का इल्जाम अपनी बेटी और अपने दामाद पर लगा दिया था और जब मोहतरमा अपने
भाई की आखिरी आरामगाह घड़ी खुदाबश पहुंची तो इनकी गाड़ी पर मुर्तजा भुट्टो के चाहने वालों ने पथराव भी किया था। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दूसरी बार वजीर आजम बनी तो ये इस्लामाबाद में मौजूद 110 एकड़ के एक मेंशन में अपने शोहर आसिफ अली जरदारी के साथ रहती थी, जिसकी मालियत उस दौर में $50 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 1,000 करोड़ के लगभग थी। और इस मेंशन में पूरा पोलो ग्राउंड भी मौजूद था जहाँ पोलो खेली जाती थी और पोलो में इस्तेमाल होने वाले घोड़ों के लिए एक अलग से अस्तबल भी मौजूद था जिसमें 40 पोलो के घोड़े और पोनीज हर वक्त मौजूद होते थे। इसके अलावा इनकी मलकियत में बर्तानिया का मशहूर सरे पैलेस भी निकला जिसकी मालियत उस दौर में $10 मिलियन थी। साउथ लंदन में मौजूद इनका एक घर भी निकला जो कि $5.3 मिलियन का था, $660,000 की ज्वेलरी। और इसके अलावा $2.5 मिलियन का एक छोटा घर भी मौजूद था और $1 मिलियन कैश भी। और ये सब वो है जिसका सिर्फ पता लग सका है और इल्जाम लगाया जाता है कि इसके अलावा भी इनकी करप्शन से बनाई भी और बहुत ज्यादा जायदादें आज भी पूरी दुनिया में मौजूद है और इनकी कुल मालियत $1.5 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 3,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जबकि स्विस कोर्ट्स ने दोनों मियां बीवी को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर पहले ही सजा दे रखी है। वैसे मुतरमा बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद आसिफ अली जरदारी आज भी यही मुकदमात फिर से भुगत भी रहे हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों 1996 में जब बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को करप्शन पर चलता किया गया तो 1997 के इलेक्शन में नवाज शरीफ 2/3 की अक्सरियत के साथ वापस आए और मोहतरमा अपोजिशन लीडर बनी। लेकिन जब परवेज मुशरफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा और मुल्क में मार्शल्ला लगाया तो इन्होंने इसकी हमायत की थी जो कि सबके लिए हैरान कुन था। लेकिन फिर करप्शन केसेस की वजह से वो खुद भी दुबई चली गई और आसिफ अली जरदारी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर मुकदमात चलाए जाने लगे और इनको 2004 तक जेल की भी खानी पड़ी। 2007 में एक डील के नतीजे में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आए और 2008 में होने वाले इलेक्शन की तैयारियां करने लगे। लेकिन मुहतरमा को असैसिनेशन थ्रेट्स यानी कि मारे जाने की धमकियां मिलती रही और अक्टूबर 2007 में इनके जलसे पर हमला भी हुआ जिसमें वो बाल बाल बच गई लेकिन बहुत से कारकुनान वहां पर अपनी जान की बाजी हार बैठे। इस वक्त के सदर परवेज मुशरफ ने इनकी जान को खतरे के पेश नजर इनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के इकदाम किए लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया और अपनी जमात की सिक्योरिटी पर ही भरोसा किया। 27 दिसंबर 2007 वो दिन था जब पाकिस्तान के दुश्मनों ने लियाकत बाग जलसे में मुहतरमा बेनजीर भुट्टो पर फिर से कातलाना हमला किया और कमजोर सिक्योरिटी की वजह से वो कामयाब भी हो गए और मुहतरमा एक प्रोफेशनल शूटर की गोली का निशाना बन गई और अपनी जान की बाजी भी हार गई। इनके असल कातिलों का आज तक कुछ मालूम नहीं हो सका लेकिन लोगों की अक्सरियत इस बात पर यकीन रखती है कि इनकी मौत के बाद जिसको सबसे ज्यादा सियासी और माली पहुंचा वही इनके कातलों में शामिल होगा। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा बिलावल जरदारी अमली सियासत में कदम रख चुका है और इन लोगों के साथ इत्तेहादी हुकूमत में शामिल हैं जो कि इसकी वालदा की किरदार कशी करते थे और उनकी काबिले एतराज तस्वीरें हेलीकॉप्टर से गिराया करते थे। बिलावल के बाद मोहतरमा की दो बेटियां आसफा जरदारी और बख्तावर जरदारी भी जल्दी अमली सियासत में कदम रखने के लिए तैयार हैं। दोस्तों अगर आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो हमने इस वीडियो में नहीं बताई तो कमेंट बताओ, लिख कर आगाह जरूर करें। कैसे उनकी मौत हुई, क्या उनके करियर रहा, कितनी बार आई गई गवर्नमेंट में और पहली पाकिस्तान की वो पीएम बनी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जानने को मिली। और बहुत सारे करप्शन के चार्जेस, इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतने बड़ी बड़ी जगह और 5.3 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी लंदन में उनकी। सो ये केस अभी तक चल रहे हैं और अभी तक खुले हुए हैं, लेकिन उनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन था, किसने मारा, ये केस अभी तक पेंडिंग है। और ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो पड़े रहते हैं, जिन पर जांच होती है तो होती रहती है, ज़िंदगी भर के लिए पड़े रहते हैं और जिसने किया वो खुशी खुशी रहते हैं। बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स थे, मुझे नहीं पता था इस सब के बारे में। पिंकी, इनकी पिंक स्किन क्यों है या फिर पिंक पैदा क्यों हुई, मतलब गुलाबी टाइप से इनकी जो स्किन विस्किन जो है वो क्यों थी वो नहीं पता मुझे। एंड मौत जो हुई है बहुत गलत तरीके से हुई इनकी, सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया इन्होंने लेकिन शूटर लोगों ने इनको टारगेट कर मार ही दिया आखिर। बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स थे, चाहे वो इनके फेमिनिज्म से जुड़ने के हों या फिर खुले ख्यालात के हों या फिर इनकी शादी किस तरीके से हुई वो, या अब इनके बेटे भी इसमें हैं और इनकी बेटियाँ भी आने वाली हैं, तो अलग अलग तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन हाँ, इसमें स्टार्टिंग में इन्होंने ये बताया कि इमरान खान के साथ पढ़ाई करती थी, मतलब
उसी सेम जगह। लेकिन जो भी था फैक्ट्स काफी अमेजिंग थे, काफी कुछ जानने को मिला इस वीडियो के जरिए। बाकी जो नहीं था इसमें आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।